दोस्तों, डिफेंस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत हर दिन बढ़ते जा रही है। आज हम आपको इन्हीं दोनों क्षेत्रों से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत स्पेस के क्षेत्र में तो महारत हासिल कर ही चुका है, साथ ही अब हमारी प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस में भी बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो को प्राइवेट कंपनियों की तरफ से काफी भरोसा देखने को मिल रहा है। इस वक्त 140 प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ पार्टनरशिप करते हुए अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है, जो बिजनेस के नजरिए से भारत के लिए काफी अच्छा होगा। बता दें कि सैटेलाइट लॉन्च करना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है और हम अभी तक सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। ऐसे में इन नए प्राइवेट कंपनियों के साथ बिजनेस करना भारत के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सिवन सर ने दी, जिन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि गगनयान प्रोजेक्ट में हासिल की गई बड़ी सफलता और चंद्रयान 3 की कामयाबी को देखते हुए भारत समेत दुनिया भर के 140 प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ मिलकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं और उन्हें भारत की क्षमता पर पूरा भरोसा है कि हमारे साथ साझेदारी अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन भारत काफी सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसरो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए तो उन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, पर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 140 प्राइवेट कंपनियां अपने सैटेलाइट किस मिशन के लिए लॉन्च करना चाहते हैं और इन्हें कौन कंट्रोल करेगा, साथ ही इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाने वाला है। बिना इन सब की पूरी जांच किए इसरो एक भी देश या प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च नहीं करने वाला, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम है। यहाँ पर हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि इन सभी प्राइवेट कंपनियों की तरफ से इसरो के साथ काम करने में रुचि एक ऐसे समय पर दिखाई जा रही है जब 2032 तक ग्लोबल स्पेस मार्केट कई ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि स्पेस के क्षेत्र में भारत का बिजनेस काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं पर इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए इसरो तमिलनाडु में एक दूसरे सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट को बनाना चाहती है, जिसके लिए 2400 एकड़ की जमीन की जरूरत है, जिसमें से 2000 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई है और 400 एकड़ जमीन नवंबर के अंत तक हासिल कर ली जाएगी। तमिलनाडु में बनाए जाने वाला ये नया सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ तैयार किया जाएगा और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये भारत के लिए एक काफी प्रॉफिटेबल और सफल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में इसरो के द्वारा सैकड़ों की संख्या में दूसरे देशों और प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जो हमारे लिए आसान काम होगा। और अगर हमारे पास ज्यादा लॉन्च स्टेशन होते हैं तो हम बड़ी संख्या में इन्हें लॉन्च करते हुए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना दबदबा मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिले एक विशालकाय ऑर्डर को लेकर है, जो 3000 करोड़ का है। दोस्तों, इस बड़े ऑर्डर की सबसे बड़ी बात तो यह है कि आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को मजबूत करते हुए यह ऑर्डर इस बात का भी प्रतीक बन चुका है कि कैसे देश के अंदर ही प्राइवेट और सरकारी कंपनियां एक साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में नए कारनामे करने के लिए हाथ मिला रही है, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत की मजबूती का सबसे बड़ा कारण बनेगा। दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 2118.57 करोड़ का एक विशालकाय ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से मिला है, जिसके तहत BEL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय नौसेना को सप्लाई किए जाने वाले 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के लिए कुछ बेहद ही एडवांस कंपोनेंट और सिस्टम सप्लाई करने वाली है, जिसमें सेंसर, वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे एडवांस उपकरण शामिल होने वाले हैं। वहीं पर इस बड़े ऑर्डर के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 886 करोड़ का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को कवर करता है, जिसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हमारे पास मौजूद आकाश मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड के लिए नए उपकरण सप्लाई करेगी, साथ ही कुछ स्पेयर पार्ट भी सप्लाई किए जाने हैं। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन उपकरण की सप्लाई के लिए भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मतलब यहाँ पर BEL के पास एक काफी अच्छा और मजबूत ऑर्डर बुक मौजूद है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इन दोनों ही खबरों से हम ये बात आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि चाहे डिफेंस हो या फिर अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियों का दबदबा अब साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्पेस में भी इसरो को हर बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल रही है। ऐसे में आने वाला समय भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल लेवल पर पोजीशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती इन क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद।